एवरीवन वेलकम और आज का वीडियो होगा एक फेस मास्क का रिव्यू एंड डेमो वो फेस मास्क है ये जो कि प्रोलिग्जर का सी एलगी डिटॉक्सीफाइंग फेस मास्क है और ये फेस मास्क आप जहां भी अभी ओपन कीजिए बहुत ज्यादा ही वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब भी आप ओपन करते हैं ना तो आपको सजेशन में ये जरूर से आ जाएगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करू तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया हुआ था सो so, आप देख सकते हैं ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है और वैसे आपको जब भी आप मंगवाते हैं ना तो आपको इस कार्डबोर्ड के पैकेट में ही आता है और यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रोलिजर लिखा हुआ है और ये एक क्ले फेस मास्क है इसमें आपको वेराइटी मिल जाते हैं दो तीन टाइप का आता है बट मैंने ये वाला लिया हुआ है एक्चुअली ये ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन सब भी यूज कर सकते हैं दैट्स तो इसके देखिए इस पैकेजिंग पे ही लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट आपके स्किन को करता है कैसे करता है तो ये आपको डीपली हाइड्रेशन देता है मीन्स आपके स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है डिटॉक्सिफाई करता है और ब्राइट करता है आपकी स्किन को एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉल्यूशन Means, uh, कोई भी पॉल्यूशन जैसे बाहर जाते है या कहीं भी तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को एंड आपके पोर्स जो होते हैं ना फेस पे उसे टाइट करता है और आपके फेस पे एक रेडिएटिंग लुक देता है और इसमें सी एलगी दिया हुआ है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके स्किन के लिए और इसमें क्ले भी है तो क्ले करता है क्या आपके जो ऑयली स्किन होते है ना उसे हटाता है और आपके स्किन को टाइट करता है सो तो वो सभी प्रॉपर्टीज इसमें भी लिखी हुई है की इसका क्या क्या बेनिफिट है यूज करने का तो देखिये इसकी मैं आपको इंटरनल पैकेजिंग दिखाती एक किस टाइप का है जब आप इसे ओपन करते हैं ये अंदर बहुत अच्छे से रहता है जो कि टर्म इन पैकेजिंग का है और ये ना बहुत ही अच्छा ग्लास का मटेरियल है ये कांच है और ये लाइट पिंक इन कलर का होता है इसका कवर भी बहुत ही अच्छा है इस तरह से देखिए इंटरनल बहुत अच्छा दिया हुआ है प्लास्टिक और ऊपर से ये स्टील टाइप का आपको दिखता है बट ये स्टील होता नहीं है एक्चुअली और इसके नीचे भी एक प्लास्टिक दिया हुआ है जिससे फेस मास्क इसका बहुत अच्छे से रहता है और सबसे ज्यादा इसका स्मेल बहुत अच्छा है फ्रेग्रेंस जो बोल सकते हैं आप मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है आप अप्लाई करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये देखिये इसका ये इस तरह का टेक्सचर है और इसे मैंने वन टाइम यूज किया हुआ है तो ये थोड़ा सा ही यूज हुआ है मीन की जो क्वांटिटी है फिफ्टी ग्राम बहुत टाइम तक आपका टिकेगा और इसका आपको मैं दिखाती हूँ टेक्सचर ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर है जो कि बहुत ही ईजिली आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है अब इस फेस मास्क का जो क्वांटिटी है वो फिफ्टी ग्राम का है पचास ग्राम का आता है ये और आप इसकी प्राइस जानिएगा तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही आपको कॉस्टली ये लगेगा ये फोर्टीन एंड समथिंग का है बट आप अगर एमेजन या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट पे देखते थे आपको नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन का आता है मीन्स ये वन थाउजेंड में आपको मिलता है ये फेस मास्क बस इसमें बहुत ज्यादा ही गुंदिए हुए हैं मीन्स कि आपके स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल है तो आप कुछ लग्जरियस टाइप का यूज करना चाहते हैं उसके लिए फेस मास्क है इसमें इसका एम एफ जी मैन्युफेक्चर एंड एक्सपायरी भी दिया हुआ होता है तो ये आप टू इयर्स तक यूज कर सकते हैं और इस फेस मास्क के साथ आपको ये एक अप्लाई करने के लिए ब्रश भी मिलता है इस तरह का आप देख सकते हैं मिनी फेस मास्क ब्रश है जिससे कि आपको ये अप्लाई करना होता है बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल है इसका ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और इस मास्क का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा है इसमें ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ आपको मिलाना वगैरह पड़ेगा और अगर आपको लगे ऐसा तो आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर सकते हैं अप्लाई करते टाइप ये फेस मास्क ना ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं आपकी स्किन टाइप कोई भी हो आप ले सकते हैं इसे इफ इस इरिटेशन या कुछ भी होता है तो आप इसे छोड़ दीजिए मीन्स की कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ना तो सबसे पहले आपको उसका पैच टेस्ट कर लेना चाहिए तो इसे भी मैंने जब भी मतलब ओपन किया था ना तो अप्लाई करने से पहले मैंने इसे हैंड पे लगा के देख लिया था अगर आपको कुछ नहीं होता है ना इरिटेशन वगैरह तो आप इसे फेस पे यूज कर सकते हैं इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना वो सभी बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं इवन ये पेराबिन फ्री है पेराबिन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है इसमें इट मीनस ये बहुत अच्छा है और इसका जो इंग्रेडिएंट है इसमें विटामिन सी है हाईलोरोनिक एसिड है एलगी है क्ले है बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो की आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एसिड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये आपके स्किन को ना मॉइस्चर देता है अगर आपकी ड्राई स्किन भी है ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट एंड सप्पल लगेगा उसके लिए आपको इसमें दिया हुआ है कि स्प्रेड मास्क इवेंडली ऑन योर फेस बट जब भी आप इसे यूज करते हैं ना तो आपका फेस एंड नेक क्लीन होना चाहिए क्लीन मीन्स की किसी भी फेस वॉश से मेकअप हटा के उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए फिर इसे यूज कीजिए डायरेक्ट मेकअप पे या फिर मतलब डर्टी स्किन लाइक ही कहीं से आए और इसे यूज कर लिए तो बेनिफिट नहीं देगा ये तो देखिए इसे अप्लाई करने के लिए मैंने अपने फेस को पूरा अच्छी तरह से मेकअप को हटा लिया है क्लीन कर लिया है उसके बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है इस तरह से आप देख सकते हैं एंड ये है इसका एप्लीकेटर इसमें आपको डालना है और पूरे फेस पे आप इसे अप्लाई कर लीजिए ये ना बहुत ही अच्छा एप्लीकेटर है और ये मास्क भी मतलब बहुत ही इवेनली अप्लाई हो जाता है आपके पूरे फेस पे देख सकते हैं मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और इसे आपको बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है तो so, और 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाता है इसमें ना जब आप फेस पे लगाते हैं ना तो बिल्कुल ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है आपके फेस पे बहुत ठंडा ठंडा लगता है कभी भी फेस मास्क में नेक को अवॉइड नहीं करना है तो ये देख सकते हैं मेरा मतलब दस से बारह मिनट हो चुका है और ये ड्राई भी हो गया है और मैं इसे थोड़ा सा गीले कपड़े से पोच ले रही जब आप इसे अप्लाई करके मीन हटा लेते हैं ना आपका स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है जब आप फेस मास्क हटा लेते हैं तो आपका कोई भी जो भी मॉइस्चराइजर है आप जो भी यूज करते हैं ना उसे अप्लाई कर लीजिए दैट्स इट और वैसे देखिए ये लिटिल बिट कॉस्टली तो है इसमें कोई शक नहीं है बट इतना है कि जब आप इसे एक से दो बार यूज करते हैं ना ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इवन वन टाइम में ही बहुत ही ज्यादा आपका फेस ना बहुत सॉफ्ट लगता है और ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा क्लीन हो गया है फेस और देखिए वैसे इसके जो कवर है उस पर लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट ना एनिमल पे टेस्टेड नहीं है सो तो ये और भी अच्छी बात है इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप उसे जरूर से चेकआउट कीजिए और देख सकते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट है और आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं मुझे इससे कुछ भी खराबी नहीं लगा एक्चुअली मैंने इसे यूज किया हुआ है तो ये था हमारा आज का वीडियो आई हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेव फ्रेंड एंड फैमिली थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू बाय वेन टेक केयर